सुबह 9:30 बजे पाकिस्तानी बिग बॉस का घर। कुछ ही देर बाद अगर रडू न को माए वो बोले बोले अगमाते वो माजे आ गए सालो। जमाना बदल चुका है, वक्त बदल चुका है। पानी का बेटा थोड़ा मोटा हो चुका है और घर के चारों कोनों से अकेले हाथ से कब तक करते बैठेंगे। अभी भी ऐसी आवाज आ रही है। ठीक उसी तरह पाकिस्तान ने एक नया आविष्कार किया जिसका नाम देख तमाशा। सब पे छा जा, देख तमाशा, अपनी गेम उठा जा। ये एक ऐसा कुत्तों का जंगल है जहाँ पर कुत्तों से ज्यादा सुअर ज्यादा है। कोई नहीं है मेरी बेटी, आप तुम कोई इस काबिल नहीं हो। तो हम क्या कह रहे, तू काबिल है खेलना नहीं बल्कि कानों में मूतना कहते। छोटे गेंडे के मुंह में खाना जा भी नहीं रहा है लेकिन भूखना चालू है। माँ बाप के मार चुखा के आया है। ये शो एकदम सीमा आंटी जैसा है। लेना है वो भूखेगा, जिसको नहीं भूखना वो बर्तन घिसेगा। इस बार इस शो में कुल 14 लोग मुजरा करेंगे। इनके पाँव पर घुंघरू नहीं बल्कि मुँह पर होंगे। यहाँ पर आने वाले सभी नादान परिंदों के अंदर कुछ अलग ही खून दौड़ता है। इसे चुप रहना नहीं बल्कि भूखना पसंद है। अब यार इन सुअरों के बीच में हम भी शामिल होते हैं और बिना किसी गुजरते वह स्टार्ट करते हैं। इन 14 सुअरों को अच्छी खुराक देने के लिए एक बदनसीब इंसान है। इसका नाम मुझ पे इल्जाम लगाया गया कि मैंने शाइस्ता को धोखा दिया। बिल्कुल दिया, मैंने बिल्कुल नहीं दिया। हमायों जैसे तुम एक ऐसा संसदीय इंसान है जिसे घर के फूलों से ज्यादा। मैंने 11 रूल्स थे ना मेरे, ने रूल ओलंपिक के दौड़ में नहीं होते जितने की इसके दिख रही है। पहले बवासीर है ये बदनसीब को लड़का बनने से ज्यादा। देखिए जी, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं बन गई हूं वजीर, ओके? मैं उठकर नप्पू आंटी के पास चली जाएगी लेकिन इन लोगों की हरकतें और ये कभी बाज नहीं आएंगे क्योंकि ताज्जो मिला है भाई। मेरी वजारत में कोई भी रात को मुझे बाहर नजर ना आए। कोई इंसान हगरे मुतने के लिए बाहर निकलेगा ना तो ये इंसान उसको बाहर नजर आएगा उसको 24 घंटे की गांड मरवाएगा। बहनचो ये पाबंदी माँ बाप अपने बच्चों पर नहीं लगाते जितने की ये लगा रहा। यहाँ नहीं बल्कि मुखर पर गरम अंडे बेचने के लिए होना चाहिए था। पीछे पीछे रहना और तुम्हारा काम है जो मेरी बात नहीं माने उसको 2 दफा पूछो, उसके बाद जेल भेजो। अरे ये टैलेंट नहीं बल्कि 5 रुपए में मिलने वाली चाय है। जरा शक्ल तो देखे इसकी, मेकअप लगा देते तो म्युनिसिपैलिटी वाले उठाने में देरी नहीं करते। लो अगर कोई इसकी बात नहीं मानेगा और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम जेल जाओगे। रोब झाड़ रहा है मानो एक दिन का जमादार बन चुका हो। शो में मुजरे से ज्यादा धुतरा बहुत होता है। हमारी दूसरी बवासीर है ये सोने से ज्यादा। दुल्हन इतनी नहीं रोती जितनी की इसकी नौटंकी दिख रही है। पर कंपनी कॉन्डम बनाना बंद कर देगी लेकिन इसका रोना खत्म नहीं होगा। रोने का भी अलग ही मकसद है और वो क्या है ये यार पब्लिक जानती है मुझे। ये भी होंगे ना पिछले साल ये सीएम जो बनी थी। लड़कियां आगे जाकर देश का नाम बहुत रोशन करती है क्योंकि पब्लिक जानती है मुझे। बड़े का डंडा उठाकर किसके पीठ पर भी मार देगी ना इसको कुछ नहीं होगा क्योंकि पब्लिक जानती है मुझे। नहीं मुझे समझ में बराबर आ रहा है इसमें रोने वाली क्या बात है भैंचो। मुझे नहीं पता ये सोते वक्त किस जानवर की गोली खाते है। मानना भी कुछ ऐसा है, वही रोल होना चाहिए। हाँ हाँ होने भी चाहिए क्योंकि आधी दुनिया यही चलाती है ना। फिर दुनिया 100 साल आगे चली जाएगी लेकिन ये नहीं। ये औरत गांड से पास भी देगी तब भी लोगों को मानना पड़ेगा क्योंकि वही रोल होना चाहिए। विचार हो तो ऐसे हो, अगर किसी के माता में रोने का ड्रामा चाहिए ना तो इस लड़की को वहाँ पे लाके बिठा देना। और तीसरे कलाकार कुछ ऐसे है। तो गर्लफ्रेंड इसको चुम्मा उतनी बार नहीं देती जितनी की इसकी याददाश्त। नेहा जाकर खाना बनाओ। फैजान अली भाई खाना नहीं बनेगा यार। फैजान यार बचपन में इसने शर्मा जी की बेटी का रात को बर्तन चुराया था, अब से लेकर अब तक उसी सदमे में है। यही सदमा हम लोगों को पाकिस्तानी बिग बॉस ये देखने को मिल रहा है। और अरुबा क्या कर रही हो, ये सेवैया बना रही हो? ठीक है सेवैया बना रही हो तो हम सब का हक है। दानिश भाई प्लेट लेकर आए। लाएगा भी ना क्योंकि बर्तन सारे इसके ही जो है। प्रिया की संख्या कम हो जाएगी लेकिन इसकी याददाश्त कभी नहीं आएगी ना। इसको खाना है लेकिन बर्तन कोई और लाएगा। जाहिर सी बात है जब ये हक कर आएगा तो पिछवाड़ा कोई और होगा ना। वफादार हो तो ऐसा हो। अली भाई कोई सेवैया नहीं खाएगा, सेवैया हमारी है। अबे यार मतलब मैं वजीर हूँ यार। अरे अरे इतनी जोर जबरदस्ती कोई सेक्स के वक्त नहीं करता। अगर कोई बदमाशी बच्चा इसके सेवैया खा लेना तो उसके दिल के 20 टुकड़े होना पक्का है। एक्टिंग तो देखो इसकी। और अरुबा क्या कर रही हो, ये सेवैया बना रही हो? ठीक है सेवैया बना रही हो तो यहाँ नहीं बल्कि गुड्डा गुड्डी के खेल में होना चाहिए था। हम बढ़ते हमारी बिगे चिगे चूड़े की ओर जिसको रोने से ज्यादा भौंकना पसंद है। नताशा नाम नहीं बल्कि भताशा रखना चाहिए था। और कुत्तों की मुखधोड़ करवाने में इसी लोंडी का हाथ है। ये शो नहीं बल्कि कानों को तकलीफ देने वाली जड़ी बूटी है। इस चुड़ैल को शोर तो पसंद नहीं है लेकिन एक्टिंग को इससे सीखे रहे। कानों में रूई का बड़ा सा गड्ढा डाल दे ताकि लोग कोई मुंह ना दे। इसका नाम रखते समय 40 कुत्तों ने अपना दम तोड़ा था। फिर इस आदि नारी को ऐसा लगता है तमाशा शो में जितना भी खाना आता है वो इसका बापू उसी भेजता है।
कौनसी लाती है? मुझे नहीं पता यहाँ पर आने से पहले इसने किस कुत्ते के साथ झगड़ा किया होगा। हम बनेंगे इस शो की सबसे दुखी पांचवी महिला की हो। काटना। अगर इतनी समझदारी अपने माँ बाप के कामों में लगा देती आज उनका सीना 240 इंच बड़ा हो जाता। फिर इस आशीर्वाद आटे का नाम है। इस औरत के फैशन भी कुछ अतरंगी है, जिनमें से पहला आता है आटा और दूसरा राना। तो उसका यही है बेंचो दिन का, क्या लॉलीपॉप 2 घंटे के लिए उधार भी मांग लेगा ना? मान लो गलती से कोई इसका खिलौना चुरा ले। सलमान खान को लड़की ना मिलने का कारण यही है। ऐसे सस्ते ड्रामों को सुनकर कुछ लोगों ने झगड़ना चालू कर दिया और कुछ तो ने ऐसा चलता रहा ना तो सुनामी आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। कैसे रोने धोने से तालाब जरूर भर जाएगा। तक इस औरत को 2-3 बकरों की बलि ना मिल जाएगी तब तक इसके मन को शांति नहीं मिलेगी। कि दोनों को निकाल ही चुकी है। अब हम बढ़ते हमारे छठे कलाकार की ओर, जिसका नाम पर बिलबर जहर खा के मरे थे तब जाके इस जीव का जन्म हुआ। इस औरत को हर एक चीज प्रोटेक्शन में चाहिए, चाहे फिर खाना हो या पीना, चाहे लगाना हो या डालना, सब चीज अंदर प्रोटेक्ट चाहिए। इसका तमाशा सुनना मतलब कानों से खून निकालने जैसा है। हमारे अगले अजूबे ये है। अजूबा इन कलाकारों से बहुत बहुत अलग है, जिसको दारू पीने के बाद यही होता जब कोई इंसान प्यार में पहली बार धोखा खाता, उसकी हालत सलमान खान जैसी हो जाएगी। अगर वक्त रहते नप्पू आंटी के 2 दोस्त नहीं, और को पढ़ने से ज्यादा भागने में इंटरेस्ट है। ऐसे रहिए, मानो सोने का बॉक्स एक ही है लेकिन लेने वाले 14। अगर इतनी ही दौड़ ओलंपिक में लगा देते सबके गले में गोल्ड मेडल होता। इन बेल बुद्धियों को कौन समझा है? 14 कुत्ते जैसे लड़ेंगे लेकिन ट्रॉफी तो एक के हाथ में आने वाली है। फिर अभी हम चलते हैं हमारी आलू चड्डी की ओर। ये क्या बदतमीजी यार, ये बदतमीजी है। मैंने इनसे कभी बात नहीं जिंदगी में, मैंने बात नहीं बोलता, ये बात नहीं हो सकती। इधर के लिए अपने सिर मुड़वा देते हैं लेकिन ये चाचा चौधरी का चोचला आलू के लिए बकचोदी कर रहा है, क्योंकि बकचोदी करना एकदम जाहिर सी बात है। सस्ते बिग बॉस का ऑर्डर जो है भाई, किस्मत का मारा है बंचो। बोला मेरा बाप लगता है, जो मर्जी बोला मेरा बाप लगता है। सनी लियोन के नहीं है जितने की इसके है। हवा की ये लड़की नहीं है, नहीं तो मियां खलीफा फेल हो जाती है। बहिया में कसी के सैया, हाय दैया मार डाला रे लो कच्चा कोट। बहिया में कसी के सैया मारे। ओ मोसा जी के मोसी, ऐसे करते करते तेरे आंट के गोलियां कब बाहर आ जाएंगे पता नहीं चलेगा। और ये मुजरा इधर नहीं बल्कि सड़क किनारे होना चाहिए ताकि खाने का जुगाड़ हो सके। इसका बदनसीब दिमाग एकदम बदनसीब है, मुजरा भी करता है बिना पैसे के, फिर आलू के लिए झगड़ेगा। फिर हमारे अगले प्रतियोगिता कुछ ऐसे है। 220 की बियर पीने के बाद अपने 8 पुस्तकों का चक्कर आज ही लगा लिया है। दारू पीने के बाद नशे में आता है, बिना दारू पीने के बाद नशे में आ रहा। वाह वाह अरे भाई वाह वाह। मेरा नाम डॉक्टर राणा आसिफ है। हाँ मुझे पता है तुझे सस्ते नशे करने की आदत है, लेकिन तुझे यहाँ नहीं बल्कि मुल्तानी बार में होना चाहिए था। तो ये एक डॉक्टर है लेकिन आपको एक वक्त के लिए समुद्र किनारे जाके बलि दे देगी, तभी अपने हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। लोग इसको किस किस नाम से पुकारते ये नहीं पता, लेकिन नफरत से पता नहीं किस तरीके से इसका मतलब है। मुझे समझ में आ रहा कि इसको किसका लंड अवार्ड में दू। ये औरत रोज 22 घंटे ये सब काम करती है, तभी जाके इतनी सूखी जमीन है। तो भोकने के अलावा एक और चीज आती है। इसको समझाया, वो बोला बाबा माफ कर। अबे गेंडे कितनी बार कहा बे कि माफ किया भूल के, तब भी साले बेइज्जती कर रहा। पहले जाके तू खुद अपना दिल साफ कर। दिल उसका साफ नहीं बल्कि तुझे 20 रुपए की बिस्लेरी बॉटल लेके खुद का साफ करना चाहिए। सिंगर बनना उतना ही आसान है जितना की खाना पीना। थोड़ी भी देर हो जाएगी ना तो मैं खुद भूल जाऊंगा की मैं कौन सा जनावर हूँ। फिर चलो यार, इस तमाशे का तमाशा बना होगा तो वीडियो को लाइक मारना जरूर। वही बेटा जो नीचे वाला अंगठे वाला बटन दिख रहा है ना चाचा, ये वाला क्या? हाँ हाँ वही। फिर तुम्हें अगली ठुका इसके ऊपर ही चाहिए ना? कमेंट करो कितने बेटा तुम्हारे नीचे के बाल है उतने। अरे बेटा मेरे तो बहुत सारे रे। अगर तुम लोग चैनल में पहली बार हाजिर लगा रही हो सब्सक्राइब मारो, वही जो काला बटन है वो सफेद हो चुका है। तेरी बीमारी वो शांति आंटी जैसे हो गई क्या? हाँ जो भी होगा वो आज जाकर पावड़ा फेंके मारो या लौड़ा, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बेटा वो तो मेरे पास नहीं है। जो भी तेरे अगल बगल में लौड़ा लसन जैसी चीज होगी ना वो फेंके मार। ठीक है बेटा ठीक है, चलो मुझे इन
इनके दो आलू के साथ एक केला चुराने जाना है। बाय। जाते जाते मैं आपसे की बात कहूंगा। हंसते रही है, मस्ती में रही है और मारते रही है। धन्यवाद।